को आप देख रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं रामलाल जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थान मंत्री हैं, और एक क्रम अजय महावन जी हैं, या आप देख रहे हैं खारू जी, उसकी चिंता करेगी। बात कैसे बनेगी?
नीचे करो, नीचे नीचे करो, चारों तरफ फैला दो। क्या कहना चाहते हैं? अगर किसी के दिल में आज के स्वच्छता अभियान से 2 अक्टूबर तक गांधी जी के स्वच्छता का जो लक्ष्य था उसको नरेंद्र मोदी जी ने अपने अभियान का हिस्सा बना लिया है। तो जो भी इसमें सहयोग करना चाहता है बिना भीड़ भाड़ के, क्योंकि अभी तो यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई है, हम अगर स्वच्छता अभियान चलाना भी चाह रहे हैं तो भीड़ में थोड़ी परेशानी भी होती है, लेकिन इसको सब लोग अपने दिल में उतार ले, भारत स्वच्छ होगा, सड़कों पे भी, मन में भी, मस्तिष्क में भी, तभी हम एक नए भारत की कल्पना कर सकते हैं। आप सभी आ जाए, आप सभी को धन्यवाद। सर, सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने, काले झंडे भी दिखा रहे हैं, क्या है सर? अब देखिए, हमसे तो किसी ने कोई बात किया ही नहीं है। मैं तो बार बार मैंने मन से भी कहा कि आपकी कोई समस्या हो तो अगर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष है तो हमको बताओ, तो हमको इन्होंने ना कोई मीटिंग की है ना कोई मेमोरेंडम दिया है, हमें कुछ नहीं पता। ऐसा लगता है ये अरविंद केजरीवाल द्वारा भेजे हुए इस स्वच्छता के विरोधी लोग लगते हैं। सर, यूनियन बार बार कह रही है कि हम मनोज तिवारी से कई बार मिले, हमने उन्हें अपना ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना मुझे ज्ञापन दिया होता तो बोलना चाहिए, मुझे पता ही नहीं है ये इनकी समस्या क्या है। पीछे में मेरे पास एक संगठन आया था और हमने उससे संगठन की मांगों को मानते हुए उनके 2006 तक के जो लोग ज्वाइन हुए थे डेयरी वेजेज वाले, उनको हमने परमानेंट कर दिया। नॉर्थ एमसीडी की बात थी, उसके अलावा हमसे कोई मिला नहीं। अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से हम बात करेंगे। अभी जो अरविंद केजरीवाल ने एक नाटक किया है, उन्होंने कहा, पोस्टर लगाया कि हमने वेतन बढ़ा दिया, तो भाई आप वेतन बढ़ाएंगे तो बीजेपी कौन होती है रोकने वाले? ये सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारियों के को लेकर के एक निम्न कोटि का नाटक कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में उनका बढ़ाया हुआ वेतन नहीं चला तो उनको अच्छा वकील करना चाहिए, हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। अपने केस के लिए राम जेठमलानी को आप लगाते हो और सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना होता है तो किसी को ऐसे लगा देते हो, पहले दिन हार जाता है, बातें भी नहीं रख पाता। स्वच्छता कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ना चाहिए, सफाई कर्मचारियों के डेली वेजेस को परमानेंट भी किया जाना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए, कहां कहां क्षेत्र है उनको स्वच्छता में भाग लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये सारा फंड दिल्ली सरकार से एमसीडी को आना है और दिल्ली सरकार इस पे एक निम्न कोटि की राजनीति कर रही है, निगेटिविटी कर रही है, जो हमारे सोच के समझ के बाहर। आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सबको प्रार्थना करना चाहते हैं कि सब कोई एक दिन में कम से कम आधे घंटे, एक घंटे 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें।